संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स का सामना आज फाफ डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर में होगा। ये मुकाबला कोलकाता के 1617 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरी बढ़ने के साथ साथ पिच का मिजाज और मौसम में भी दोनों टीमों को काफी फर्क देखने को मिलेगा। राजस्थान अपना पहला क्वालिफायर गुजरात टाइटन से हार कर यहां पहुंची है। वही एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पटकनी दी थी। आज इन दोनों टीमों की भिड़ंत से ये साफ हो जाएगा कि 29 मई को आईपीएल 2022 के फाइनल में कौन सी टीम भिड़ने वाली है। आईपीएल के इतिहास में इन दोनों टीमों का आमना सामना 27 बार हुआ है, जिसमें 13 मैच जीतकर आरसीबी ने अपना दबदबा बनाया है। राजस्थान को बेंगलोर के खिलाफ इस रंगारंग लीग में 11 ही जीत मिली है। वही पिछले दो सीजन में बेंगलोर ने राजस्थान को 4 बार पटखनी दी है। आईपीएल 2022 में भी इन दोनों टीमों की भिड़ंत 2 बार हो चुकी है, जिसमें दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। कोलकाता और अहमदाबाद के बीच की दूरी हवाई मार्ग से 1617 किलोमीटर है, तो वहीं दोनों टीमों के लिए परिस्थितियां काफी अलग होगी। अहमदाबाद में उमस से ज्यादा शुष्क गर्मी है, भले ही रात में तापमान गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। मैदान में 6 लाल मिट्टी की पिचे और 5 काली मिट्टी की पिचे हैं। कई मौकों पर क्यूरेटर ने T20 मैच के लिए घास का एक आवरण छोड़ दिया है। इस महत्वपूर्ण मैच के लिए क्यूरेटर अधिक उछाल वाले पिच तैयार कर सकते हैं। अब यहां बात की जाए राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 की, तो इसमें शामिल होंगे यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, शेमरॉन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, ओबेट मोकॉय। वही आरसीबी के प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें शामिल होंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोर, शहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड।